सबसे अच्छी और खुशी की बात आप लोगों के लिए, पता है, अभी दिमाग में एक ही चीज होनी चाहिए और वो ये है कि देखो भाई, कल या परसों मेरा 50% ऑफ द पेपर्स कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब क्या, मैंने आधी जर्नी तो कंप्लीट कर लिया, बस अगर मेरा एक ग्रुप बचा हुआ है तो उसको मैं कंप्लीट कर लूंगा। अब मेरे को ये फोकस होना चाहिए कि मैं कैसे अपना स्कोर मैक्सिमम लेवल पे लेके जाऊं। यार कोशिश ये होनी चाहिए कि यार अगले पेपर में एग्जम्पशन के नीचे मुझे सोचना ही नहीं है, ये आपका गोल होना चाहिए। बिकॉज आपने जो भी पास पेपर्स में किया, फर्क उस बात से अब नहीं पड़ेगा, फर्क अब इस बात से पड़ेगा कि आगे का जो पेपर आने वाला है उसमें क्या आप मचा सकते हो या नहीं हो। सिंपल सी बात है, अगर आप मचा सकते हो तो भाई ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह काम करेगा, और अगर आप नहीं मचा सकते हो तो अभी भी आपके पास टाइम है। और अपने आप को बैठो, रात भर एफर्ट डालो, दिन रात मेहनत कर दो, जी जान लगा दो, क्योंकि आपको अपने लिए और अपनों के लिए इस एग्जाम में पास होना है। चाहे कोई भी आ जाए, किसी भी इंसान में आपको अब रोकने की ताकत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आप अपने आप को कहते हैं कि नहीं यार, बस थोड़ा सा और कुछ मेहनत और देखिएगा कि आपका ये रिजल्ट जरूर पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, राइट? तो आप अगले पेपर में क्या स्कोर टारगेट कर रहे हैं जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और पूरी जी जान लगा दीजिए साम दाम दंड भेद, और जरूर मुझे बताइए कि कितना आप स्कोर टारगेट कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।